गुड मॉर्निंग, मैं सेल्फ ध्रुव झा। आज के डेट में स्वस्थ शरीर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि स्वस्थ रहना जरूरी क्यों है। तो स्वस्थ रहना महत्वपूर्ण कारणों से है। पहले स्वास्थ्य आपकी शारीरिक शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे आपको दैनिक गतिविधियों को संभालने की क्षमता मिलती है। यह आपको अपने काम और परिवार में सक्रिय रहने में मदद करता है। स्वस्थ शरीर हमें रोगों से बचाता है, साथ ही साथ हमें जो है अवधिकालिक जीवन को बढ़ाता है। बात रही सबसे अच्छी दिनचर्या की, तो सबसे पहले तो सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच का समय जागने के लिए आदर्श समय माना गया है। यह सूर्योदय से पहले का समय होता है, जब वात दोष जो है प्रबल होता है और वातावरण में मौजूद ऊर्जा आपके लिए जागना आसान बनाती है। इसके अलावा यह दिन का वह समय होता है जब शरीर और आत्मा के लिए एक निश्चित मात्रा में शांति और ताजगी आवश्यक होती है। बात रही कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य का क्या महत्व है, तो स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम होता है। यह हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंतु का संतुलन होता है, जो हमारी जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य का मतलब बस बीमार होना नहीं होता है, बल्कि यह विभिन्न पहलुओं का जो है सम्मिलित होता है, जो हमारे जीवन को सुखमय और सफल बनाते हैं। बात रही तो योग के माध्यम से हम सभी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। उतना ही नहीं, पोषण, व्यायाम, विश्राम और नींद, ये स्तंभ आपके मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। एक स्वस्थ आहार आत्मा जो है बैक्टीरिया को बढ़ाता है, जो मस्तिष्क तक जो है अच्छा महसूस करने वाले संकेतों को जो है पहुंचने में मदद करता है। बात करेंगे, देखिए सबसे पहले तो अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए, अगर आप अपनी प्रकृति यानी मन और शरीर के बारे में नहीं जानते हैं, तो रोजाना 6:30 से 7 बजे तक तो निश्चित उठने की आदत बना सकते हैं। ऐसे में इसी समय के बीच जो है जागने की कोशिश करें। शुरू में निरोग रहना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ जीवन शैली से आपका मन प्रसन्न रहता है, स्वस्थ जीवन शैली से आपको जो है सक्रियता मिलती है, स्वस्थ जीवन शैली से आपको कई प्रकार के रोगों का बचाव मिलता है, स्वस्थ जीवन शैली से आपको कम समय में प्राप्त होने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। अच्छे स्वास्थ्य के अगर लक्षण की बात की जाए, तो रोगों से मुक्ति तथा अस्वस्थ न होना अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तनावों तथा चिंताओं से स्वतंत्रता भी अच्छे स्वास्थ्य में निहित है। यह आपको कई पुरानी गैर संचारी बीमारियों जैसे हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर से भी बचाता है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाना और कम नमक, शर्करा और औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा का जो है सेवन करना स्वस्थ आहार के लिए आवश्यक है। अच्छा पोषण स्वस्थ जीवन की कुंजी है। यह वयस्कों और बच्चों, यहां तक कि शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए भी सच है। स्वस्थ भोजन खाने से बच्चों को स्वस्थ, सक्रिय और मजबूत रहने के लिए उनके शरीर को आवश्यक पोषण तत्व प्राप्त करने में मदद मिलती है। उत्तम स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करें, तो उत्तम स्वास्थ्य से आशय स्वस्थ विचार, सामान्य व्यवहार, निहित ऊर्जा, शक्ति का अपनी योग्यता क्षमता के अनुरूप उपयोग एवं आचरण ही जो है वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से स्वस्थ होने की पहचान हो सकती है। एक स्वस्थ जीवन शैली जीने से पुरानी बीमारियों और दीर्घकालिक बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है। अपने बारे में अच्छा महसूस करना,
और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना अपने आत्मसम्मान और आत्म छवि के लिए महत्वपूर्ण है। अपने शरीर के लिए जो सही है उसे करके स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखें। उतना ही नहीं, वैसे तो देखिए स्वस्थ शरीर का अर्थ जो है वो अच्छे पोषण, नियमित व्यायाम, हानिकारक आदतों से बचने, स्वास्थ्य के बारे में सूचित और जिम्मेदारी लेने और आवश्यक होने पर चिकित्सा सहायता लेने से बनाए रखा जाता है। बात रही, देखिए एक स्वस्थ जीवन शैली आपको जीवन भर फलने फूलने में मदद कर सकती है। हालांकि स्वस्थ विकल्प चुनना हमेशा आसान नहीं होता। नियमित रूप से व्यायाम करने या स्वस्थ भोजन तैयार करने के लिए समय और ऊर्जा निकालना कठिन हो सकता है। हालांकि आपके प्रयास जो कई तरह से और आपके पूरे जीवन में फल देंगे, तो हेल्दी रहने के लिए व्यायाम जो है वो हमें बेहतर सोचने, बेहतर नींद जिसके अंतर्गत जल्दी सो जाना और अधिक गहरी नींद लेना शामिल है, रक्तचाप को कम करने, इंसुलिन को बेहतर ढंग से काम करने और चिंता को कम करने में मदद करता है और समय के साथ लाभ बढ़ते हैं। जो लोग व्यायाम करते हैं उनमें हृदय रोग, मधुमेह और कई प्रकार के कैंसर होने का जोखिम भी कम रहता है। उतना ही नहीं, देखिए सबसे पहले तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर बात करें तो सुबह सबसे पहले थोड़ा पानी उबाल कर उसमें ताजे ऑर्गेनिक नींबू का रस निचोड़ कर पीना चाहिए। सुबह गर्म पानी पीने से पूरे सिस्टम को कोमल फ्लश मिलता है और साथ ही पेरिस्टोलिसिस को भी उत्तेजित करता है। सुबह 4 बजे उठने के भी बहुत फायदे हैं। गर्मियों में 4:15 और सर्दियों में 5:15, यही वो उचित समय है जब आपको उठना है। अगर आप 18 साल से ऊपर है तो आपको 10:30 बजे तक सो जाना है। 17 साल के आयु वर्ग में आते ही तो आपको 9:15 तक सो जाना चाहिए। चलिए एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान की अगर बात करें तो जिसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक पक्ष दृढ़ हो। स्वस्थ का मतलब है रोग मुक्त जीवन। स्वस्थता तन मन और आत्मोत्साह के समन्वय का नाम है। जब शरीर, मन, इंद्रियां और आत्मा ताल से ताल मिलाकर संतुलन से कार्य करते हैं तभी वह स्वास्थ्य कहलाता है, अच्छा स्वास्थ्य कहलाता है। अच्छे स्वास्थ्य के फायदे भी है। एक स्वस्थ जीवन शैली न केवल आपको बेहतर महसूस करने में मदद कर सकती है बल्कि यह कुछ बीमारियों के जोखिम को भी कम कर सकती है, आपके जीवन काल को बढ़ा सकती है, आपके पैसे बचा सकती है और पर्यावरण को लाभ पहुंचा सकती है। स्वस्थ जीवन शैली का आपका संस्करण वही है जो आप इसे परिभाषित करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए आपको कुछ भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये देखिए। उतना ही नहीं, स्वस्थ दिनचर्या के बारे में भी हम लोग बताए, एक बार और उसको बता सब सुने। स्वस्थ दिनचर्या है क्या? तो वेलनेस रूटीन एक दैनिक कार्यक्रम है जिसमें आपकी सभी स्वास्थ्य आदतें शामिल होती है, जैसे कि आपकी गतिविधि, आपकी नींद, भोजन, काम, पढ़ाई, सामाजिक जीवन संतुलन और स्व देखभाल गतिविधियां। सबसे अच्छी वेलनेस रूटीन आपको कठिन दिनों में सहारा देगी और सबसे अच्छे दिनों में आपको कुछ अतिरिक्त ऊर्जा और अच्छी भावनाएं प्रदान करेगी। चलिए आज के पाठ में इतना ही, मिलते हैं अगले पाठ में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।